My dear friends and family, we are here yet again at White Feathers with another session of tea with our very own Mr. Deepak Shetty sir. So sir, आज सुबह ही हमारे पास एक fresh inquiry आई थी for online classes, पर उनका main aim था bands. They wanted high bands. आजकल requirement हर एक country बढ़ाए जा रही है and why shouldn't they? One reason. लेकिन ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे अचीव करें 9 मंथ्स. और अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी कि वाइट फेदर्स के पास खुद के सीक्रेट्स हैं. सर प्लीज एनलाइटन अस. राइट मैम, फर्स्ट सबसे पहले तो मैं सबको वेलकम करूंगा इन आवर शो एंड उसके बाद मैं करूंगा सबको शुक्रिया कि उन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो को काफ़ी देखा, लाइक किया, पसंद किया, इवन दैट सब्सक्राइब भी किया जी. सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है Definitely. और जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है. मैम, ये जो आपने आज क्वेश्चन रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम बात करते हैं RTS टेस्ट की, इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसके अंदर हमारा RTS टेस्ट आता है. और आज की डेट में बैंडविड्थ बनने का एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि कनाडा में अब जो हमारी पीआर रेटिंग है वो 400 से कहीं ऊपर के 500 प्लस चली गई है. ओके. तो जिसकी वजह से हर एक बच्चे को 7 इंच या 8 का स्कोर करना पड़ रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर रिक्वायरमेंट हो जाती है 7 इंच की या 8 इंच की. क्योंकि बच्चे जब यहाँ से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या और किसी कंट्री में, तो उस टाइम उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चे पूरी करते हैं जी, तो कहीं से भी पूरी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चे को 5.5 चाहिए, ओवरऑल 6 चाहिए जी, तो नॉर्मली पढ़ के किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से वो स्टडी कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं, जो करते भी हैं. अब जैसे आपको कॉल आई मॉर्निंग में कि आज हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कोई ना कोई कैपेबल ट्रेनर चाहिए और मार्केट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑनलाइन पे काम करती हैं जी, बट सवाल बड़ा ऐसा क्यों उठता है कि वाइट फेदर के पास क्या ऐसा है जिससे कि हम स्कोर करवा सकते हैं बच्चों को, जो आपने कहा कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट. मैम, सीक्रेट इसमें कुछ भी नहीं है, सीक्रेट में हमारा हार्ड वर्क है. हमने बहुत साल तक लगातार इंग्लिश लैंग्वेज पे हार्ड वर्क किया है. RTS इस टेस्ट पे हमने पूरा रिसर्च किया है जी. और जैसे कि आप जानते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ हमारी अपनी एक बुक आ रही है आर्ट्स मंत्रा, उसका शीर्षक द टॉपिक नेम और जो उसका कोट है वो यही है कि यू कैन स्कोर 9 मंथ्स नाउ. उस बुक के अंदर हमने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस निचोड़ के डाल दिया है. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हाउ वी कैन स्कोर 6 to 8 और 6 to 9 बैंड्स. तो मैम, जब बच्चा 1 से लेकर 6 बैंड तक पहुंचता है तो वो बहुत इजीली ट्रैवल कर लेता है. बिकॉज इट 6 का मतलब क्या होता है और 5 का मतलब क्या होता है, एवरेज टू गुड. लेकिन जब वो 7 बैंड पे पहुंचता है जी, उसका मतलब होता है वेरी गुड. 8 पे जब पहुंचता है होता है एक्सीलेंट एंड 9 पे होता है एक्सपर्ट. ओके. तो अगर आपको एक्सीलेंट तक पहुंचना है तो समझ जाइए कि जैसे जैसे पौड़ी ऊपर चढ़ती है, सीढ़ी स्टेयर इंक्रीज आप, वैसे वैसे आपका हार्डवर्क भी बढ़ता है जी. लेकिन हार्डवर्क करने के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क है वो भी बहुत जरूरी है. डेफिनेटली. एंड RTS में बच्चों को स्मार्टली प्रिपेयर करने में वाइट फेदर्स की पूरी एक्सपर्टीज है. हमारी टीम और हम मिलकर हर एक स्टूडेंट पे काम करते हैं जी, हर समय प्रोजेक्ट बनाते हैं और हम बताते हैं किस तरह से आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं और 9 स्कोर्स कर सकते हैं. ओके. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट भी है कि वाइट फेदर केवल वीडियो पे बोलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, उसमें बच्चों के 9 स्कोर हुए. Even that, आप हमारा गूगल में रिव्यू चेक कर सकते हैं. रिव्यू में भी स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यू दिए. कोई भी रिव्यू खरीदे हुए नहीं होते और कोई भी बैंड सुराया नहीं होता है. अल्टीमेटली 9 बैंड स्कोर करवाने के लिए आपको चाहिए होती है एक्सपर्ट टीम. एंड हमारी टीम का इंक्लूडिंग मी एज अ टीम लीडर ऑफ द वाइट फेदर्स, आई वर्क हार्ड मोर देन 15 ईयर्स इज इंग्लिश लैंग्वेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अदर ट्रेनिंग्स. एंड हमने उस तरह की सिलेबस को डेवलप किया है, उस तरह का हमने फॉर्मेट सेट किया है जिससे कोई भी बच्चा 9 बैंड तक रीच कर सकता है. जी मैम. सर, लेकिन क्या क्या तरीके से वो आप उन्हें हेल्प करते हैं रीच करने के लिए? आपने एक चीज बोली थी प्रोजेक्ट, क्या ये हर एक बच्चे का पर्सनलाइज्ड होता है? मैम, आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन पर सब कुछ बता दूं? आजकल सीक्रेट जानने की आदत है सबको. चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो ही हम उसको बेटर बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ऑन स्क्रीन मैं थोड़ा बता देता हूं. आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक बच्चे पे हम प्रोजेक्ट अलग अलग बनाते हैं, इसलिए हमारी क्लास 101 होती है. यानी कि अगर मैं आपको
पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन में आप और मैं पढ़ रहे हैं और कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा। तो हम हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल मेहनत करते हैं और इंडिविजुअली इस पे प्रोजेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो इंग्लिश लैंग्वेज में 6 स्कोर कर रहा है बट वो 7 स्कोर करना चाहता है जी। तो हम उसका पूरा असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, उसके इंटरव्यू कॉल अप करते हैं, फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं एक्सपर्टीज के थ्रू एंड राइट डाउन करते हैं कि बच्चे ने सेंटेंस ठीक बनाए, ग्रामर इसकी फैंटास्टिक है, लेकिन कहीं पे जो प्रॉब्लम आ रही है वोकैबुलरी की आ रही है जी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोल रहा है कि आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, सो हियर वी नीड टू वर्क ऑन आई बिलोंग टू मॉरिकम फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंस्टेड ऑफ दैट ही हैज टू से माई फादर इज प्रूडेंट मैन जी। तो छोटे छोटे चीजों को हम बदलते हैं ताकि बच्चे उस पर काम कर पाए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कोई बच्चा स्कोर करना चाहता है 8 और 9, तो फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे और काम करते हैं। अब यहाँ पे इस बात पे काम नहीं चलेगा कि आपने बोला कि माई फादर इज अ प्रूडेंट मैन, फिर आपके एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए। माई फादर इज अ प्रूडेंट मैन, माई फादर इज अ प्रूडेंट मैन, माई फादर इज अ प्रूडेंट मैन जी। We have to make out the changes. It means we are working on the intonations. Yes. जब intonation या expressions भी कहते हैं। ये काम white feather कर सकता है because हमारी experts की team है। हमें पता है कि किस तरह से utilize करना है बच्चे के talent को। जी। Mostly क्या होता है कि trainer अपना talent utilize कर रहा होता है। जबकि हमें student का talent utilize करना है। जैसे कि ये बहुत जरूरी है कि फिल्म का director ये समझे कि मुझे actor से कौन सी acting निकलवानी है। If I'm taking a famous actor in my movie, मैं famous actor में लेता हूँ, तो मुझे ये समझना है कि इस फिल्म की डिमांड क्या है, इस फिल्म के अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट में क्या एक्टिंग चाहिए। उसी तरह मुझे पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट है जो 8 से 9 मंथ की तैयारी कर रहा है, उसको क्या चाहिए। अब होता क्या है, इंस्टीट्यूट्स के पास, डोंट माइंड माय वर्ड्स, इंस्टीट्यूट्स के पास क्या होता है कि चाहे स्टूडेंट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, 4 लेवल का स्टूडेंट है, डी कैटेगरी जो बहुत नीचे है, सी कैटेगरी थोड़ा नीचे, बी ठीक ठाक, ए, सभी के लिए एक ही सिलेबस होता है। फॉर एवरीथिंग दे आर टीचिंग द सेम वे। आप स्टूडेंट को बोले कि मैम मेरे को 8 बैंड की तैयारी करनी है, 8 बैंड की भी तो ऐसी होती है तैयारी, उसमें खास क्या होता है। मैम मुझे 9 बैंड स्कोर करना, 9 बैंड भी ऐसे स्कोर होते, ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब केवल ये बोल देना ज्यादा प्रैक्टिस करो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। यू हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कॉन्क्रीट मॉडस ऑपरेंडी, यानी मेथड जिसके थ्रू बच्चा मेहनत करे और 8 to 9 स्कोर करे। एंड आई गारंटी यू गाइस, अगर आप वाइट फेदर्स की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या हमारी कंट्री के स्टूडेंट हैं, आई अश्योर यू, आप 2 से 3 दिन क्लास लगाइए एंड डिफरेंस देखिए कि क्या है और हम कितने कैपेबल हैं आपको 8 to 9 बैच स्कोर करवाने में। एंड दैट्स माई गारंटी, यू विल फाइंड इट अ टोटल सेटिस्फेक्शन। Oh, that is certainly very good information to have, sir. Thanks a lot. Before ending, I would once again like to thank you all for coming over here. And don't forget, कोई भी doubt है तो आप हमें किसी भी time link कर सकते हैं और हम आपकी help करेंगे. Now, it is time to find your talent. Come to White Feathers because it's your dream and our destination.